नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड और अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नई DSSSB की तरफ से आई हुई अपडेट लेकर। जी हाँ, आज है हमारी 12 नवंबर। आप देख सकते हो अभी अभी DSSSB की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। तो ये जो हमारी खुशखबरी है ये आ रही है DSSSB की तरफ से। DSSSB की तरफ से आज PRT, TGT, PGT टीचर्स और अदर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई टोटल 5,535 पद की अपडेट आई है। और ये अभी सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से नहीं है, अभी और भी अपडेट आनी है क्योंकि सारी वैकेंसीज यहाँ पे अभी नहीं दी हुई है। पर 5,535 वैकेंसी का अभी नोटिस आया हुआ है। DSSSB की तरफ से हमें पहले ही बता दिया गया था कि अब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं और सभी का कंबाइंड जो है एग्ज़ाम होना है। तो उसी से रिलेटेड आज वैकेंसी से रिलेटेड एक मेमोरेंडम आया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी हैं। तो जिनको लंबा इंतज़ार था वैकेंसीज़ का, उनका इंतज़ार अब जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि जल्दी ही DSSSB की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और सर्कुलर जारी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। तो आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पोस्ट नेम दिया हुआ है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया हुआ है और वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा है जूनियर इंजीनियर ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से यहाँ पे आएंगे, ये MCD के अंदर दिया हुआ है। नॉर्थ DMC में टोटल 88 पोस्ट हैं, साउथ DMC में 48 हैं, ईस्ट DMC में 123 हैं, DAMB में 9 है, NDMC में अभी तक वैकेंसी डिटेल यहाँ पर नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड में 98 हैं और बाकी यहाँ पे अभी आया नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल पोस्ट दी हुई है INFC में 59, DUSIB में 98, DSIIDC में 52, DTL में 19। उसके बाद हमारा ग्रुप 2 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे दिया है MCD के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। तो नॉर्थ DMC में है 15, साउथ DMC में 2, ईस्ट DMC में 11, DAMB में 3, NDMC की अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं दी हुई है, DTL में 37। यहाँ पे DUSIB में अभी तक नहीं दी हुई है वैकेंसी, टोटल 2 है। DSIIDC में यहाँ पे 8 वैकेंसी है, DTC में 1 वैकेंसी है। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप 3, इसमें आएगा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप 3 का और यहाँ पे MCD की वैकेंसी दी हुई है, टोटल है 10। नॉर्थ DMC 5 है, साउथ DMC में कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है, ईस्ट DMC में 5 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रुप 4th है, ग्रुप 4th में दिया है कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, LDC जूनियर, स्टेनो, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, LDC वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आने वाला है। और यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है टोटल 612 और वैकेंसी की डिटेल दी हुई है कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप 5 है जिसमें टोटल 1,136 वैकेंसी हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दी हुई है। नॉर्थ DMC में हमारी 36 है, सर्विसेज़ में 359 है और साउथ DMC में 68 हैं, ईस्ट DMC में 31 हैं, MAIDS में टोटल यहाँ पे 12 और DPCC में टोटल 5, 4, 10, 15 यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट हैं ये हमें ग्रुप 5 में, ये बाकी पोस्ट आएंगी और इनमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास और उसके बराबर वालों के लिए हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी डिटेल्स दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और अब आता है यहाँ पर टीचर से रिलेटेड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, NDMC में अभी तक वैकेंसी डिटेल्स नहीं आई है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ही है DOE में, यहाँ पे भी अभी तक वैकेंट पोस्ट नहीं आई है। MCD की यहाँ पे हमारी दे दी गई है, MCD में कुल 492 पोस्ट हैं, नॉर्थ DMC में, साउथ DMC में 74 हैं और ईस्ट DMC में 1,187 हैं यहाँ पर दी हुई हैं। और ये टीचर के लिए आपके पास 12th पास के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स का। तो हमारे यहाँ पे ग्रुप 7 और इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं कि कितनी कितनी हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप 8 है और यहाँ पे सारी पोस्ट की डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी है, ड्राइवर वगैरह जो भी है, स्टोर कीपर, यहाँ पे सब आएंगे, 10वीं पास और उसके बराबर के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल वैकेंट पोस्ट दी हुई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाद ग्रुप 10 दिया हुआ है, 10 में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी
और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और यहाँ पे टोटल पोस्ट दी हुई हैं कितनी हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 11 है जिसमें 82 पोस्ट हैं, और यहाँ पे आप इसका सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप 12 है, उसमें वैकेंट पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल 128 हैं। ग्रुप 13 में जो हमारी वैकेंसीज हैं वो है 312, आप यहाँ से सारी चेक कर सकते हैं। इसमें स्टाफ नर्स वगैरह ये सब आएंगे, जिसने 10वीं और स्टाफ नर्स का कोर्स कर रखा हो नर्सिंग का, उसकी वैकेंसीज हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 14th ग्रुप में हमारा है यहाँ पे लीगल असिस्टेंट, यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दी हुई है, चेक कर लेना आप यहाँ से। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के बीच में आएगी, और एमसीडी की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है नॉर्थ है डीएमसी की, बाकी डिटेल यहाँ से चेक कीजिए। उसके बाद ग्रुप 15 की वैकेंसी और यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। अब यहाँ पे हमारा ग्रुप 16 है, 16 में हमारा टीचर से रिलेटेड आता है, 16 में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टीचिंग से रिलेटेड है, लेक्चरर हिंदी, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, ये हमारा ग्रुप 16 में आएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं, एनडीएमसी में 6 है, एजुकेशन में 3 है। उसके बाद है हमारा ग्रुप 17, ग्रुप 17 में लेक्चरर हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री मेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो है 17, एनडीएमसी में 4 हैं और एजुकेशन में टोटल 13 है। उसके बाद हमारा ग्रुप 18, ग्रुप 18 में लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल, और यहाँ पे हमारे जो टोटल वैकेंट पोस्ट हैं ये है 28, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप 19, इसमें है पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 25, डिटेल में आप देख लीजिए। उसके बाद ग्रुप 20 है हमारा, उसमें लेक्चरर ज्योग्राफी, पीजीटी ज्योग्राफी मेल, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ज्योग्राफी में, एनडीएमसी की यहाँ पे टोटल 3 है और एजुकेशन में 16 है, टोटल वैकेंट पोस्ट हमारे 19 है। उसके बाद ग्रुप 21 में दिया हुआ है लेक्चरर मैथ, पीजीटी मैथ्स मेल, पीजीटी मैथ्स फीमेल, टोटल पोस्ट 20 है, डिटेल में देख लीजिए। उसके बाद ग्रुप 22 में हमारा है लेक्चरर कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स मेल, पीजीटी कॉमर्स फीमेल, और वैकेंसीज आया है 16। उसके बाद है ग्रुप 23, इसमें लेक्चरर फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल, 24 है जिसमें लेक्चरर केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री मेल, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल, और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो है 24। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप 26, 27, 28, ये भी हमारा पीजीटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद 29 वो हमारा हेड क्लर्क से रिलेटेड है, यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप नंबर 34, जिसमें टीजीटी की पोस्ट आती हैं, इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश मेल, टीजीटी इंग्लिश फीमेल है, और यहाँ पे एनडीएमसी की वैकेंट पोस्ट दी हुई है 19, और डीओई में अभी तक कोई पोस्ट बताई नहीं गई है। उसके बाद ग्रुप नंबर 35 है, ये भी टीजीटी से है, यहाँ पे एनडीएमसी में वैकेंट पोस्ट आ गई है लेकिन डीओई की अभी तक जारी नहीं की है। अब ग्रुप नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये सब हमारा टीजीटी सब्जेक्ट से है, और यहाँ पे एनडीएमसी की वैकेंट पोस्ट आई हुई है लेकिन डीओई ने अभी तक जारी नहीं की है, तो जल्दी इसकी जारी हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में हमारा ड्राइवर के लिए है, और सबसे लास्ट में हमारा ड्राइंग टीचर के लिए है। एजुकेशन में हमारा 223 है और डीएसडब्ल्यू में 1 है, ये हमारे ग्रुप नंबर 44 में आता है। तो दोस्तों यहाँ से आप अब सारे एडवर्टाइजमेंट डिटेल आराम से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई है। दोस्तों ये जो है ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो आज आया था, जल्दी ही DSSSB की तरफ से इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत लंबा इंतजार था वैकेंसीज का, वो अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दे कि जल्दी से जल्दी ही इसकी वैकेंसी जारी की जाएंगी 2022 में। तो दोस्तों ये थी आज की DSSSB की तरफ से वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।